नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बात करेंगे मुगल शासक शाहजहां के प्यार की निशानी यानी ताजमहल की, और जानेंगे इस इमारत से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आपने आज तक नहीं सुने होंगे। आगरा का ताजमहल अपनी नायाब खूबसूरती और भव्यता के कारण पूरी दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। 7 अजूबों में शामिल इस मकबरे को दुनिया के कोने कोने से लोग देखने के लिए भारत आते हैं। नदी के किनारे बसे इस ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है। कहते हैं कि मुगल शासक शाहजहां ने इस मकबरे को अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज की मौत के बाद उनकी याद में बनवाया था। शाहजहां मुमताज को बेइंतहा प्यार करते थे। मुमताज की मौत का गम उनसे सहन नहीं हो रहा था, तभी उन्होंने अपनी पत्नी के प्यार में ताजमहल को बनवाया था। कथित तौर पर यह भी कहा जाता है कि ताजमहल को बनवाने वाले कारीगरों के हाथ को शाहजहां ने कटवा दिया था ताकि इस तरह की कोई दूसरी इमारत ना बन सके। इसलिए आज तक इस इमारत जैसी पूरी दुनिया में कोई दूसरी इमारत नहीं है। नजरों को चकाचौंध कर देने वाली इसकी खूबसूरती विशाल है। प्यार की निशानी है ताजमहल। ताजमहल को शाहजहां ने 1631 में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। 17 जून 1631 को शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देने के दौरान मुमताज की मौत हो गई थी। निर्माण 1632 में शुरू हुआ और मकबरा 1648 में पूरा हुआ, जबकि आसपास के भवन और उद्यान 5 साल के बाद बनकर समाप्त हो गए। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां के दुख का दस्तावेजीकरण करने वाला शाही दरबार ताजमहल की प्रेरणा के रूप में आयोजित प्रेम कहानी को दर्शाता है। ताजमहल की खूबसूरती। ताजमहल क्राउन ऑफ द पैलेस भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बना एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। इस मकबरे को बनाने में लगभग 30 सालों का समय लगा था। ताजमहल वास्तव में संरचनाओं का एक एकीकृत परिसर है, जिसमें सफेद गुंबददार संगमरमर का मकबरा इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सम्राट शाहजहां द्वारा एक बोर्ड ऑफ वास्तुकरण को सौंप दिया गया था। ताज परिसर का निर्माण लगभग 1631 ईस्वी में शुरू हुआ। मुख्य मकबरा 1648 ईस्वी में हजारों कारीगरों और शिल्पकारों को नियोजित करके पूरा किया गया था। वास्तुकला और डिजाइन। ताजमहल इंडो इस्लामिक और पहले की मुगल वास्तुकला की डिजाइन परंपराओं को शामिल और विस्तारित करता है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। अरबी लिपि में कई ऐतिहासिक और कुरानिक शिलालेखों के अस्तित्व ने ताजमहल के कलाक्रम को स्थापित करने में मदद की है। इसके निर्माण के लिए पूरे साम्राज्य से और मध्य एशिया और ईरान से भी राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, इन लेयर नक्काशी करने वाले, चित्रकार, सुलेखक, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों की मांग की गई थी। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हमारे देश की ऐसी ही एक और गौरवमयी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।